हैदराबाद के अलवाल इलाके में बीजेपी के रियासती लीडर तिरुपति रेड्डी को अगवा कर लिया गया है। उसकी बीवी सुजाता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके शौहर को हैदराबाद के अलवाल में अगवा किया गया है। उसने शिकायत में कहा कि कुछ लोग उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तिरुपति रेड्डी बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन के तौर पर काम कर रहे हैं। अलवाल पुलिस के मुताबिक तिरुपति रेड्डी जो हैदराबाद के कुशाईगुड़े में रहता है रियल इस्टेट का ताजिर है। ओल्ड अलवाल में उसके करोड़ों रुपये की ज़मीन है। चंद माह कबल जब ज़मीन पर तनाज़ा हुआ उसने आला पुलिस अफसरान से इस मामले को रुजू किया। जुमेरात की दोपहर तिरुपति रेड्डी एक कार में ड्राइवर के साथ अलवाल तहसीलदार दफ्तर पहुंचा। जब ड्राइवर काम से बाहर गया और वापस आया तो तिरुपति रेड्डी गायब था। उसके दोनों फ़ोन भी बंद बता रहे थे। ड्राइवर ने उसकी इतला तिरुपति रेड्डी की बीवी सुजाता को दी, जिस पर सुजाता ने जुमेरात की रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में सुजाता ने दावा किया कि उसके शौहर को ज़मीन के तनाज़े की वजह से मुखालिफ ग्रुप के लोगों ने अगवा किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तफ्तीश कर रही है। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से अवाम की खिदमात में मसरूफ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तियाब है।